अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेफ इंदा किचन में मैं शगुफ्ता आज बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। ये केक को मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग के लिए बनाया है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास बेकिंग यूटेंसिल्स नहीं होते हैं तो हम परेशान होकर बनाना छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बिल्कुल घर में हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल है मैंने उससे इस केक को तैयार किया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आज कढ़ाई पे बना रही हूँ, इसलिए पहले मैं कढ़ाई को प्री हीट के लिए रख देती हूँ। इसके लिए मैंने हाफ कप मिल्क लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून वेनेगर डाल के इसे मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए साइड में रख देती हूँ। अब मैंने लिया है ये बाउल, इसमें मैं 2 अंडे डालूंगी। ¾ कप पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून वैनिला एसेंस, 1/2 कप ऑयल, इन सबको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, मैं इसे साइड रख देती हूँ। अब मैं दूसरे बाउल पे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी बटर मिल्क, जिसे मैंने साइड करके रखा था, मैं इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मैंने मैदे का जो मिक्सचर तैयार किया था, अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। रेडी हो चुका है, मैं इसे साइड रख देती हूँ और मैं इस बर्तन पे केक को बना रही हूँ। तो इसे मैं सबसे पहले ग्रीस करूंगी, बटर से या ऑयल से, किसी से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से ग्रीस करें ताकि हमारा केक नीचे चिपके नहीं। इसमें मैं थोड़ी सी फ्लावर डालूंगी। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। मैं इसे 2 बार टैप करूंगी। अब मैं इसे कढ़ाई में 1/2 घंटे के लिए चढ़ा देती हूँ। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसके नीचे में ये डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें केक रख के इसे इस तरीके से ढककर मैं 1/2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। मैं ये होल को बंद कर दूंगी ताकि हमारा एयर बाहर ना निकले। अब मैं 1/2 घंटे के बाद आपको खोलकर दिखाऊंगी कि हमारा केक कैसा बना है। देखिए, हमारा केक रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं आइसिंग के लिए क्रीम रेडी करूंगी। इसके लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम ले लिया है, इसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। मैंने क्रीम रेडी कर लिया है, हमारी केक भी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इसे कट करूंगी।
केक को मैंने दो पीस में काट लिया है, अब इसे थोड़े से ठंडे होने देंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें आइसिंग करूंगी। अब मैं इसमें लगाऊंगी शुगर सिरप। क्रीम इस तरीके से हम इसमें क्रीम को लगा देंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी ये हमारा दूसरा लेयर, इसमें भी मैं लगाऊंगी शुगर सिरप। ये जो मैंने केक को कट करके रखा था ऊपर से, उसे मैं क्रश करके इस तरीके से लगा दे रही हूँ इसमें। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में पहले रखती हूँ ताकि ये फिर से सेट हो जाए। मैं इसे आधे घंटे के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। ये मैं केक को ओरियो क्रश है डेकोरेट कर रही हूँ। और सॉरी गाइज, मैंने रिकॉर्डिंग करते टाइम भूल गई थी ये बताने के लिए कि मैंने जब व्हिप्ड क्रीम इसके ऊपर लगा रही थी तो मैंने उसमें कलर ऐड किया था, जिससे हमारे केक का कलर इतना खूबसूरत आया है। मैंने लॉलीपॉप लगाकर अपने केक को कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है।